वेलकम क्लास 11th. स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट पैरेलेक्स मेथड ऑफ मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस. हमने पिछले टॉपिक में पैरेलेक्स मेथड को स्टडी किया था, जो हमें क्या बताता है कि एल इज इक्वल टू आएगा आर थीटा, यानी थीटा इज इक्वल होता है हमारा एल बाय आर के. ओके, तो अब यहां पर उसी टॉपिक में एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, दूसरा पैरेलेक्स मेथड की हम एप्लीकेशन करेंगे. पहली एप्लीकेशन हमने कल पढ़ ली थी कि पैरेलेक्स मेथड की पहली एप्लीकेशन क्या होती है, कि हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन उसकी होती है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो हम मेजर कर सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज क्या है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें मून का साइज मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, मून के अपोजिट डायमीटर्स के बीच का एंगल है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. क्या करते हैं हम, टेलीस्कोप की हेल्प से मून का अगर फाइंड आउट करना है तो हम, या किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करना है तो हम उसके टू अपोजिट डायमेट्रिकल डिस्टेंस है वो मेजर, सॉरी टू अपोजिट डायमीटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम उसका एंगल मेजर कर लेते हैं थीटा. जैसे मून है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मून के डायमीटर के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के साथ टेलीस्कोप के साथ वो कितना एंगल बनाता है वो मेजर कर लेंगे. फिर हाँ, सिंपल फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है हमारा एल बाय आर, तो वहां से हम डायमीटर की हेल्प से, यानी डायमीटर किसके बराबर होगा, हमारा रेडियस इंटू थीटा के इक्वल होगा ये डायमीटर, और इस डायमीटर को हम मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डायमीटर. फिर हम एस और थीटा की वैल्यू पुट करके इनके बीच का डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं, यानी उसका डायमीटर है वो मेजर कर लेते हैं. और मून के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.5 डिग्री. क्या होती है वैल्यू, 0.5 डिग्री. फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्थ के किसी पॉइंट से इसके अपोजिट डायमीटर्स के बीच का एंगल मेजर कर लेंगे. ये वाला एंगल मेजर कर लिया हमने थीटा. अब हमें ये डिस्टेंस अगर पता होगा एस, तो हम ये वाला डिस्टेंस एल निकाल सकते हैं. तो एल किसके इक्वल आएगा, एस इंटू थीटा के इक्वल आएगा, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं. बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में ये आपको क्लियर होगा, यहां पर भी कराऊंगा एक मैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल के ऐसा यूनिट रेडियन की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें इस पैरेलेक्स मेथड में स्पेशली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो हमें एंगल दिए जाते हैं वो मोस्टली हमें रेडियन में नहीं दिए जाते. तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देख लेते हैं कि किसी भी एंगल को कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटे, इसका ऐसा यूनिट है वो रेडियन होता है. क्लियर, वन रेडियन एंगल क्या होता है, जब आर्क रेडियस के इक्वल लेंथ की हो जाए उस टाइम जो सेंटर पे एंगल बनता है वो एंगल हमारा क्या होता है, वन रेडियन होता है. वन रेडियन एंगल क्या होता है, व्हेन ए आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, तो उस टाइम जो हमारा एंगल बनता है सेंटर पे वो हमारा किसके इक्वल होता है, वन रेडियन के इक्वल होता है. प्रैक्टिकली ऐसा यूनिट रेडियन है, लेकिन फिर भी हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं. किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में. तो यहां पर मैंने कन्वर्जन लिखा है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल होता है बेटा 360 डिग्री. ऐसे याद रख लो, या ऐसे याद रख लो, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री. तो 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल आ गया 180 बाय पाई. पाई की वैल्यू पुट कर दी तो 1 रेडियन इज इक्वल आ गया 57.7 डिग्री. तो अगर हमें रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे. अगर डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे. इसके बाद डिग्री से भी स्मॉल यूनिट जो होता है वो बोला जाता है मिनट और सेकेंड. 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होती है 60 सेकेंड ऑफ ए एंगल. सिंपल मेथड है, 1 मिनट किस, 1 डिग्री किसके बराबर होगी 60 मिनट्स के, और 1 मिनट किसके बराबर होगी 60 सेकेंड के. वेरी स्मॉल एंगल्स को मेजर करने का मेथड है.
ओके अब न्यूमेरिकल में ये चीज हम क्लियर करते हैं पैरेलेक्स मेथड में क्या दिया हुआ है हमें द पैरेलेक्स ऑफ ए हैमिली ऑब्जेक्ट या बॉडी मेजर्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 2 मिनट यहां पर हमें पैरेलेक्स दिया है यानी ये थीटा दिया है जो पैरेलेक्स मेथड में हमने क्या किया था अर्थ के किसी दो पॉइंट से अपोजिट डायमीटर से हमने क्या मेजर किया है इस ऑब्जेक्ट का ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसका हमने पैरेलेक्स एंगल मेजर कर लिया जो हमारा क्या आता है 2 मिनट आता है इसने 2 मिनट खुद दिया है और आर भी इसने दिया है 6400 किलोमीटर यानी हमारे अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर दी है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट हेवनली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है यानी हमने ये वाली जो आर है ये कैलकुलेट करनी है तो एल हमारे पास कितना हो गया बेटा 2 × R 2 × रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो गया क्योंकि एल जो बेसिस हम पैरेलेक्स मेथड में लेते हैं वो हम लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ और इसने खुद कहा है टू डायमेट्रिकल अपोजिट पोजिशन पर क्लियर सबसे पहले एंगल हमें दिया है मिनट में और एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है तो आंसर है रेडियन यानी हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है ये सारे के सारे रिलेशन रहे देखो 1 मिनट है वो किसके बराबर होगा 60 सेकंड के बराबर होगा नहीं 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के यानी 1 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं 1 डिग्री बाय 60 तो ये चला गया हमारा डिग्री में और हमें पता है 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है 57.7 डिग्री या 1 रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री बाय पाई यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 180 रेडियन कितनी आ जाएगी पाई बाय 180 डिग्री ये हमारा हो गया रेडियन के इक्वल क्लियर तो हम क्या करेंगे 2 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया 60 से डिवाइड कर दिया फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी हमने वैल्यू निकाल ली जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी क्लियर उसके बाद एल हमें क्या दिया हुआ है पैरेलेक्स मेथड में ये वाली दी हुई है डायमीटर ऑफ अर्थ तो डायमीटर ऑफ अर्थ का मतलब 6400 किलोमीटर उसकी रेडियस है तो डायमीटर होता है 2 × R ये किसमें दिया हुआ है बेटा किलोमीटर में और एंगल हमने किसमें चेंज किया है रेडियन में यानी एसआई यूनिट में तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटे सबसे पहले सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो या एसआई में कन्वर्ट कर लो बेसिकली तो हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं लेकिन जब आप आगे थोड़ा 2-3 चैप्टर्स के बाद देखोगे कि कई बार अगर सेम सिस्टम में यूनिट है जैसे सीजीएस सिस्टम में सारे यूनिट है तो हम सीजीएस से ही वैल्यू निकाल सकते हैं लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं एसआई में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे दिया हुआ है किलोमीटर इसको हमने किस में चेंज करना है मीटर में चेंज करना है तो ये आ गया 2 × 6.5 × 10^6 मीटर क्या आ गया बेटा 6.4 × 10^6 मीटर यानी किसके इक्वल आ गया 1.28 × 10^7 मीटर के लिए इक्वल आएगा 1.28 × 10^7 मीटर के इक्वल आ गया हमारा अब पैरेलेक्स मेथड से हमें पता है जो ये एल है ये किसके इक्वल होता है हमारा एल इज इक्वल टू होता है आर इंटू थीटा के तो आर रेडियस किसके बराबर आ गई आर इंटू एंगल के आर कितनी दी हुई है 1.28 × 10^7 डिवाइड बाय एंगल हमारा कितना आया है ये रहा एंगल 2 डिग्री डिवाइड बाय 60 × π/180 ये हमारा आ गया रेडियन में तो हमारा जो डिस्टेंस है वो किस में आएगा वो आएगा हमारा मीटर के अंदर तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 2.2 × 10^11 मीटर 10^10 पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है तो आप 3.14 भी पुट कर सकते हैं या 22/7 भी पुट कर सकते हैं क्लियर
तो ये है हमारे एग्जाम्पल पैरेलेक्स मेथड का, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसकी न्यूमेरिकल वर्कशीट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, सॉल्व करनी है। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, और कल या नेक्स्ट टाइम मैं स्पेशली इसी मेथड के ऊपर और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की वीडियो है वो अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।